नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं इंपोर्टेंट द हिंदू न्यूज से, उसके बाद में पीआईबी और स्कीम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, इसकी वैल्यू पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून के समान होती है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ऑर्डिनेंस को शामिल किया था हमारे संविधान के अंदर में, तो उन्होंने कहा था कि इसे सिर्फ इस्तेमाल किया जाए इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान में। उनका यह कहना था कि कई बार इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही होती है, तो उस समय अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता है तो प्रेसिडेंट को यह पावर्स दी गई थी कि आपके आदेश से कानून बन सकता है, ऑर्डिनेंस से कानून बन सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट, तो आपको पता है, उनके पास में तो कोई अपनी पावर्स होती नहीं, तो प्रेसिडेंट यानी सरकार की सहायता से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी एड एंड एडवाइस से, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। अब लेकिन पिछले 70 सालों में इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। कई बार ऐसा होता है, अगर मान लीजिए सरकार नहीं चाहती, उनके पास में मेजोरिटी नहीं है राज्यसभा के अंदर में, तो ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है। इवन डिबेट से बचने के लिए भी ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है, तो ये अनडेमोक्रेटिक चीज़ है। तो इसी के रिगार्डिंग में प्रणब मुखर्जी जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने चेतावनी दी कि ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। प्रीलिम्स से रिलेटेड कौन से पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले भी हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, कंडीशन ये है, जबकि जब एक हाउस या फिर दोनों के दोनों हाउस अभी वर्किंग में ना हो तभी ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। ऐसे नहीं लोकसभा भी अभी काम कर रही है, राज्यसभा भी काम कर रही है, फिर आप ऑर्डिनेंस पास कर रहे हो, ये मुमकिन नहीं है। या तो दोनों हाउसेज या फिर कम से कम एक हाउस वर्किंग में नहीं होना चाहिए, तभी ऑर्डिनेंस को पास कर दिया किया जा सकता है। अगर जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होती है, मीनवाइल मान लीजिए, देखिए लोकसभा तो काम कर रही है, राज्यसभा वर्किंग में नहीं है, तो मीनवाइल कंडीशन ये है कि लोकसभा में आपको पास करना होगा, और जैसे ही राज्यसभा वर्किंग में आएगी तो वर्किंग के आने के 6 हफ्तों के अंदर अंदर में वो बिल जो है वो पास करवाना होगा पार्लियामेंट या विधानसभा, जो भी है, अगर गवर्नर पास करते हैं तब जाके, अदरवाइज वो जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था वो इनवैलिडेट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना अवधि हो सकती है किसी ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम, पहले भी मैंने आपको बताया था 6 मंथ्स प्लस में 6 वीक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, कंडीशन यह है कि एक हाउस या फिर दोनों हाउसेस वर्किंग में नहीं होने चाहिए तभी ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मान लीजिए एक हाउस अभी अभी खत्म हुआ है, यानी मान लीजिए लोकसभा का एक सत्र अभी अभी खत्म हुआ है, लास्ट दिन, खत्म होने के अगले दिन ही ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है, समझ गए? तो अब मान लीजिए लोकसभा या फिर राज्यसभा के दोनों सेशंस के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 6 मंथ्स, क्योंकि ऐसा तो लिखा हुआ है आर्टिकल, हमने डिस्कस किया था कि दोनों दो सेशंस के बीच का जो मैक्सिमम समय हो सकता है 6 मंथ्स। 6 मंथ से एक दिन भी ऊपर होता है तो सेशन लगना अनिवार्य होगा। तो 6 मंथ तो ये हो गए, 6 मंथ तक ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जा सकता है। इसके अलावा 6 वीक्स तक ये कंडीशन होगी कि जब भी वो हाउस ऑर्गेनाइज होता है तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर में वहां से बिल पास करवाना होगा। तो मैक्सिमम टाइम अवधि किसी ऑर्डिनेंस की हो सकती है 6 मंथ्स प्लस में 6 वीक्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक जवान की मौत हो गई है, काफ़ी बीमार थे वो जवान, लेकिन उनके कोलिग्स ने आरोप लगाया कि जो ऑफिसर थे उन्होंने अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेने दी जवान की, जिस चीज़ की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि देखिए, ये तो इस डिटेल्स में जाना तो जो भी हुआ काफ़ी दुखदाई है, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है सीआरपीएफ, ये इम्पोर्टेंट है, एक रिजर्व पुलिस फोर्स है, हमारे देश के अंदर में लार्जेस्ट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और होम मिनिस्ट्री के अंदर में ये आती है, आपको याद रखना है। किस लिए काम होता है इसका? स्टेट गवर्नमेंट की सहायता करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स है। काफ़ी सारे, अब तो देखिए बहुत जगह सीआरपीएफ का यूज़ होता है, लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कश्मीर के अंदर में, इलेक्शंस करवाने के लिए, नक्सलियों से लड़ने के लिए, बहुत चीज़ों के लिए, दंगों को रोकने के लिए भी कई बार यूज़ कर लिया जाता है। तो सीआरपीएफ का यूज़ हर जगह आजकल होने लगा है, तो ऐसा अगर कुछ ऑप्शन में आ जाए क्या इसका यूज सिर्फ लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो वो गलत मार्क गलत कीजिएगा आप, मतलब सभी जगह इसका यूज होता है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ इस जगह इस पर यूज होगा। झेलम रिवर से रिलेटेड अगला आर्टिकल है। मेजर ट्रायल चल रहा है अभी कश्मीर के अंदर में। 1947 से पहले झेलम को वाटरवे की तरह यूज किया जाता था, शहर के बीचों बीच से निकलती है झेलम रिवर, और अभी फिर से ट्रायल चल रहा है वेनिस के तर्ज पर। यहां पर देखिए, जो वेनिस रिवर बिल्कुल वाटरवे का काम करती है, शहर के बीचों बीच से निकलती है, वैसे ही इस प्रकार से झेलम को वाटरवे की तरह इस्टाब्लिश किया जाए। थोड़े से फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं झेलम के बारे में। सोर्स है वेरिनाग, वेरिनाग लेक से निकलती है झेलम रिवर, लेंथ जो है 725 किलोमीटर, और ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, झेलम रिवर वेरिनाग लेक से निकल के इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री बनाती है। यहाँ पर देखिए, ये जो है बाउंड्री बनाएगी, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री बनाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
और मिंडर्स भी बनाती है। तो ये जो थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं झेलम के बारे में जो पूछे जा सकते हैं। आगे है बेंगलुरु डिक्लेरेशन कॉल्स फॉर एसटी एंड एसटी कोटा, एससी एंड एसटी कोटा इन जुडिशरी। हुआ क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों पर बल दिया गया, जैसे एससी एसटी को के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, दूसरे सेक्टर्स में भी जैसे प्राइवेट सेक्टर में, जुडिशरी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, और इन सब चीज़ों में एससी एंड एसटी के लिए एफर्मेटिव एक्शन यानी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेंगलुरु डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो बेंगलुरु एंड जो डिक्लेरेशन है वो एससी एंड एसटी के लिए, दूसरी जगह पे भी उनके लिए कोटा होना चाहिए जैसे प्राइवेट सेक्टर्स या फिर दूसरी जो चीज़ जो हमने अभी डिस्कस करी जुडिशरी। ना सिर्फ एससी एसटीज बल्कि और भी चीज़ों पे बल देते हैं जैसे माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लास एंड दलित्स, नॉन बाय द कन्नड़ाज एक्रोनियम अहिंडा। अहिंडा में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, देखो ये माइनॉरिटीज़ भी आ जाते हैं, बैकवर्ड क्लास एंड दलित्स नॉन फॉर बाय इट्स कन्नड़ा एक्रोनियम अहिंडा। ये देखिए यहाँ पे अगला आर्टिकल, रशिया बेचना चाहता है हमको मिग 35 जो है वो 4++ जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट हैं, ये याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 4++ जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट हैं। और इसके सामने एक और जो विकल्प है हमारे सामने वो है यूएसए का F-35। तो दोनों विकल्प है हमारे सामने, लेकिन मिग के बारे में काफी सारी बातें कही जा रही हैं जो कि डिस्प्यूटेबल है वैसे, क्योंकि आर्टिकल जो कोट कर रहे हैं वो स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं जो मिग ऑपरेशंस के हेड हैं रशिया के, वो कहते हैं कि जो मिग है काफी चीप है, ऑपरेशंस में काफी एफिशिएंसीज हैं। ये तो देखिए डिस्प्यूटेबल चीजें हैं, लेकिन एक जो फायदा है वो ये है, मिग जो है हमने पहले भी इस्तेमाल किए हैं, यूएसएसआर के समय से हम मिग 29 और दूसरे जो मिग्स हैं उनका इस्तेमाल करते आए हैं। और F-35 यूएसए का जो एयरक्राफ्ट है उसकी ये अच्छी बात है कि वो एक प्रकार से फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तो इसके अपने ही फायदे हैं F-35 के। अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, ईरान और इराक ने एक मिलिट्री कोऑपरेशन का पैक्ट साइन किया है। पहले से यूएस जो है ईरान को आइसोलेट करना चाहता है, यूएस ने काफी सारे सैंक्शंस हाल फिलहाल में लगाए ईरान के ऊपर में, लेकिन अब ईरान और इराक ने जिस प्रकार से मिलिट्री कोऑपरेशन जो एग्रीमेंट साइन किया है काफी चीजों को लेकर, जैसे सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और भी काफी सारी चीजों को लेकर, तो यूएस डेफिनेटली इस चीज से खुश नहीं होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में ना सिर्फ यूएस ने सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर में, बल्कि यूएस का सपोर्ट प्राप्त है सऊदी लेड जो ग्रुप है, जो जिसने अभी ब्लॉकेड लगा के रखा है कतर के ऊपर में, और एक डिमांड उसने ये भी रखी है सऊदी लेड ग्रुप ने कतर के ऊपर में कि आप ईरान के साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो खत्म कीजिए, नहीं तो हम ब्लॉकेड लगा के रखेंगे। तो पूरा जोर यूएस लगा रहा है ईरान को आइसोलेट करने के लिए, जबकि इराक जो है उसने ईरान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन साइन किया, तो अब ये देखना होगा कि यूएस इस चीज को कैसे लेता है। आगे पीआईबी डिस्कशन कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ये उन बच्चों के लिए है या फिर जुवेनाइल्स के लिए है, या तो वो ला के कन्फ्लिक्ट में है, यानी कुछ ऐसे आते उनके उनकी कुछ इस प्रकार के आदतों में वो लग गए हैं जो कानून के अगेंस्ट में है, या फिर उन बच्चों के लिए जो फिलहाल डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में है, या फिर उन बच्चों के लिए जो वनरेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा समाज के एक प्रकार से दुष्प्रचार का शिकार हो सकते हैं, समाज के शोषण का शिकार हो सकते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए है। तो करता क्या है, देखिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स चला के रखी हैं, तो एक ये स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि पहले से जो स्कीम्स हैं उनको सुपरवाइज किया जा सके, उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो उनको दुरुस्त किया जा सके, जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सके। मकसद एक ही है कि बच्चों को एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उनकी डेवलपमेंट करना, और करेंगे कैसे, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे सुपरवाइजिंग करके, मॉनिटरिंग करके। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है या फिर कुछ मॉनिटरियल या फिर दूसरे बेनिफिट स्किल दी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ऑलरेडी जो स्कीम्स चला के रखी हैं उनके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है ताकि उनका सुपरविजन आसानी से हो सके, उनकी मॉनिटरिंग हो सके, उनको ध्यान में लाया जा सके और उस जो भी डेफिशिएंसीज उनको रेक्टिफाई किया जा सके। स्कीम फॉर ओवरसीज इंडियन स्पाउस, काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो भारतीय महिलाएं होती हैं वो उनकी जो शादी अगर मान लीजिए फॉरेन कंट्रीज में हो जाती है, विदेशों में हो जाती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड्स के द्वारा, स्पाउसेस के द्वारा काफ़ी शोषण होने लगता है भारतीय महिलाओं पे, उनको छोड़ दिया जाता है, उनके शोषण होता है, अब्यूजमेंट उनका होता है, तो उन्हीं महिलाओं की मदद के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है, स्कीम फॉर ओवरसीज इंडियन स्पाउस। इसके लिए उनको क्या दिया जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा दिया जाएगा ताकि वो काउंसलिंग करवा सके, अगर लीगल हेल्प चाहिए तो भारतीय जो मिशंस हैं उन कंट्रीज़ के अंदर में वो मिशंस हेल्प करेंगे उन महिलाओं की, ताकि वो कोई भी अगर कानूनी हेल्प लेना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर में या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो उनकी सहायता की जाएगी। तो अभी तो 13 कंट्रीज़ के अंदर में ये ऑपरेशनल है। कौन कौन सी 13 कंट्रीज़ हैं, नाम मत याद रखिएगा, यूएस,
यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज जैसे कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यूएई, 13 कंट्रीज़ हैं। खासकर वही कंट्रीज़ है जहाँ पे भारतीय माइग्रेंट्स ज़्यादा जाते हैं या फिर ज़्यादा हैं, जैसे कनाडा वगैरह में ज़्यादा है या फिर मिडिल ईस्ट में ज़्यादा हैं। इसके अलावा एक पोर्टल भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करके रखा है जिसका नाम है मदद, यानी काउंसलर सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। अब मान लीजिए, देखिए, भारत से कुछ लोग गए हुए हैं बाहर देशों में काम करने के लिए, वहां पे उनको इंडियन मिशन से रिलेटेड जो भी काउंसलर सर्विसेज है वहां पे इनको ग्रीवेंसीज हैं, तो अपनी ग्रीवेंसीज, अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर करवा सकते हैं। एक पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मदद काउंसलर सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो किस लिए है? यानी भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेशों में काम करने के लिए गए हैं, उनको अगर कोई शिकायत है भारतीय मिशन से काउंसलिंग सर्विसेज के, तो इसके रिगार्डिंग में वो शिकायत कर सकते हैं इस पोर्टल पे, नाम है मदद। अगला आर्टिकल नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। हैंडलूम मतलब हाथ से जो कपड़े की बुनाई होती है, उस चीज को कहते हैं हैंडलूम। तो इसकी डेवलपमेंट के लिए सरकार काफ़ी कुछ कदम उठा रही है, सस्ते दामों पे क्रेडिट उपलब्ध करवा रही है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत में। मार्केटिंग की सर्विस जो असिस्टेंस है वहाँ पे मार्केटिंग में असिस्टेंस कर रही है, ब्लॉक लेवल पे क्लस्टर्स डेवलप कर रही है ताकि एक प्रकार से पूरी इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप किए जा सके। और इसके अलावा जो एग्जीबिशन टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करवाती है गवर्नमेंट, जो भी सारे जो चीज़ों का मकसद एक है, हैंडलूम की डेवलपमेंट की जा सके और जो भी लोग अभी इस काम में लगे हुए हैं हैंडलूम रिलेटेड कामों में, उनकी एम्प्लॉयमेंट सुरक्षित रह सके और उनके इनकम लेवल को ऊपर ले जाया जा सके। और हमारी जो हेरिटेज है हैंडलूम से रिलेटेड काम, हमारी जो हेरिटेज है वो भी काफ़ी डेवलप्ड है, तो उसे भी सहेज के रखा जा सके। तो ये है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्कीम्स डिस्कस कर लेते हैं, आज की स्कीम्स क्या हैं। स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, वन नेशन वन स्कीम। पहले काफ़ी सारी स्कीम्स चलती थी जैसे नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम या फिर मॉडिफाइड NAIS, तो इन स्कीम्स के अच्छे फीचर को भी ऐड किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है किसानों को एक क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस की सुविधा प्रोवाइड करना और इसके अलावा किसानों की इनकम भी स्टेबलाइज करना। ऐसा नहीं कि आज बारिश की वजह से या फिर दूसरे कैलमिटीज या नेचुरल डिजास्टर हुए उसकी वजह से किसानों की जो इनकम है वो कम हो जाए, तो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए किसानों की इनकम में। तो जो भी लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में उनको भी एश्योरेंस हो कि देखिए हम काम तो कर रहे हैं लेकिन अगर कुदरत ने धोखा दिया तो सरकार धोखा नहीं देगी। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो काफ़ी सारी क्रॉप स्कीम्स थी वहाँ पे यूनिफॉर्म प्रीमियम नहीं होता था, लेकिन इस स्कीम के अंदर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यूनिफॉर्म प्रीमियम है डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग में। जैसे उदाहरण के तौर पे खरीफ के लिए जो प्रीमियम देना पड़ेगा किसानों को वो देना पड़ेगा 2%, रबी के लिए देना पड़ेगा 1.5% और 5% देना पड़ेगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। रबी में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? रबी में आती है जैसे सरसों, वीट, ग्राम, ये सब चीज़ें। और खरीफ में कौन कौन सी आती हैं? खरीफ में आती हैं जैसे राइस और कॉटन, ये सब चीज़ें आती हैं खरीफ में। और रबी की जो क्रॉप्स हैं आमतौर पर सर्दियों में उगाई जाती हैं, खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं वो बारिश के सीजन में गर्मियों में उगाई जाती हैं। और इसके अलावा वैसे एक और भी होता है जैद क्रॉप्स, जैद में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे तरबूज, खीरा, इन सब की खेती होती है। और अब देखिए गवर्नमेंट ने कहा कि कोई लिमिट नहीं रखी है, पहले एक लिमिट रख दी जाती थी कि कितनी भी फसलें नुकसान हो जाए किसानों को इस लेवल के बाद में एक पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अब ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं है। कितना भी पैसा अगर जो किसानों का नुकसान होगा उतना पैसा मिलेगा, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 75% तक का पैसा मिलेगा, 70% तक का पैसा मिलेगा, जितना नुकसान हुआ है उतना पैसा मिलेगा। टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा गिरदावरी के लिए। जब कोई मान लीजिए कैलमिटी आती है, ओले बरसे, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो फसलों की गिरदावरी के लिए कि कितना नुकसान हुआ कौन से खेत में, तो उस चीज़ के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इवन रिमोट सेंसिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इस स्कीम के अंदर में। आगे क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या मान लीजिए कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो भी शामिल इस इंश्योरेंस जो स्कीम है वो कवर करेगी किसी न्यूक्लियर डिजास्टर को? नहीं, न्यूक्लियर डिजास्टर को नहीं कवर करेगी। अगर मान लीजिए कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कहीं भगदड़ मच जाती हैं, पशुओं की भगदड़ मच गई तो उससे किसानों की जो खेत की फसलें हैं वो ख़राब हो गई, तो उन चीज़ों को भी नहीं ऐड किया जाएगा। मेनली जो फोकस है वो लोकल डिजास्टर्स पे, जैसे मान लीजिए कोई बादल फट गया उसकी वजह से एकदम से पानी नीचे आ गया, या फिर जो ये डिजास्टर होती हैं फ्लड आ गई, ओले आ गए, इन सब डिजास्टर को ज़्यादा कवर किया जा रहा है बजाय कि न्यूक्लियर डिजास्टर या फिर पशुओं की भगदड़ मचने से कोई काफ़ी सारी भैंस जो थी वो खेत के ऊपर से टपकी और जो फसलें वो ख़राब हो गई, ऐसी चीज़ों को नहीं ऐड किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको अटैम्प्ट करना है, अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा और जो भी ऑप्शन है उसे चूज़ कीजिएगा। डेली के डेली क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में स्ट्रेस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ऊपर में है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, क्या ऑपरेशंस रहते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं कुछ इस पुलिस फोर्स पे। भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट है वो पानी कहाँ से लेता है, कौन सी रिवर से लेता है, ये बताना है।
और इसमें से आपको बताना है कि एससी एंड एसटी के कोटा यानी जुडिशरी में भी एससी एसटी को कोटा मिले, रिजर्वेशन मिले, ऐसा कौन सी डिक्लेरेशन में कहा गया है। बताइए आप इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी रिवर डिवाइड करती हैं। रिकैप कर लेते हैं, स्कीम हमने आज एक ही डिस्कस करी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। द हिंदू के काफी आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किया, ऑर्डिनेंस के ऊपर में, सेंट्रल पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ऊपर में, झेलम रिवर के ऊपर में, बेंगलुरु डिक्लेरेशन जिसमें एससी एंड एसटी को कोटा देने की बात हुई है जुडिशरी के अंदर में, रशिया काफी इंटरेस्टेड है मिग 35 बेचना चाहता है इंडिया को, ईरान और इराक ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, तो ये सब चीजें हमने आज डिस्कस करी। पीआईबी में हमने डिस्कस किया इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, स्कीम फॉर ओवरसीज इंडियन स्पाउस एंड नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब चीजें आज हमने डिस्कस करी। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।